वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अभी सीरीज में नेक्स्ट हमारे पास की टेंजेंट इनवर्स के फॉर्मूले, हमारे पास सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले जो टेंजेंट इनवर्स से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स ऑफ। ठीक है, सबसे पहले बीच में प्लस का साइन है तो एज इट इज एक्स प्लस वाई। ठीक है, बार टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस। ठीक है, प्लस है तो नीचे माइनस। ठीक है, और इन दोनों में मल्टीप्लाई इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से अगर बीच में माइनस का साइन हो तो क्या होगा, ऊपर साइन सेम रहेगा, अगर माइनस है तो माइनस। ठीक है, इस तरीके से, और नीचे उसका अपोजिट प्लस का साइन इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद टेंजेंट का फॉर्मूला हमारे पास, जब टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई और टेंजेंट इनवर्स जेड इस तरीके से। ठीक है, जब तीन को ऐड करें। ठीक है, टेंजेंट के केस में तो किसके बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सबसे पहले तीनों का सम, माइनस का साइन, तीनों की मल्टीप्लाई ऊपर ही होगी। ठीक है, तीनों की मल्टीप्लाई ऊपर हुई होगी यहां पर, फिर वन माइनस। ठीक है, और दो दो की मल्टीप्लाई एक्स और वाई की, उसके बाद वाई जेड की, और उसके बाद जेड एक्स की या फिर एक्स जेड। ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद लास्ट हमारे पास की टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, टू टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर इस तरीके से। ठीक है, तीन फॉर्मूले हमारे पास टू टेंजेंट इनवर्स एक्स के। सबसे पहले साइन इनवर्स इस तरीके से। ठीक है, फिर कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और लास्ट है टेंजेंट इनवर्स का टेंजेंट की टर्म में, मतलब बार टेंजेंट इनवर्स हो। ठीक है, तो क्या होगा, टू एक्स अपोन। ठीक है, कुछ नहीं, बस साइन इनवर्स का फॉर्मूले जैसा सेम होगा, लेकिन टेंजेंट अपने में, मतलब टेंजेंट टेंजेंट में नीचे माइनस का साइन हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिवाइड में वन प्लस है, यहाँ पर माइनस का साइन। ठीक है, ये कहाँ से फॉर्मूले आए हैं, हम इनका प्रूफ पहले चेक कर चुके हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में आप इनको रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं किस तरीके से। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या है टेंजेंट इनवर्स, वन बाई थ्री, वन बाई फाइव, ठीक है, वन बाई सेवन और वन बाई एट। इसको पाई बाई फोर के इक्वल हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहां पर, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई का भी हो सकता है यहां पर अप्लाई, पहले इस पर अप्लाई, इन दोनों का। ठीक है, और फिर जो इनका रिजल्ट आया उन पर फिर से अप्लाई, मतलब किस तरीके से होगा, बार टेंजेंट इनवर्स होगा यहाँ पर कुछ नंबर, इसका भी टेंजेंट इनवर्स, जैसे इसका क्या रिजल्ट आएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन दोनों का सम डिवाइड बाय दिस। ठीक है, इसका टेंजेंट इनवर्स ऑफ, बीच में दो प्लस का साइन रहेगा, फिर इनका फिर से अप्लाई करें फॉर्मूला, या फिर तीन वाला भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से। जैसे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, प्रूफ के क्वेश्चन में एक साइड को लेके चलेंगे और दूसरी साइड के इक्वल शो कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसको तीन वाले फॉर्मूले से अप्लाई कर लेते हैं, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाले से। तो क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ क्या फॉर्मूला था, सबसे पहले ऊपर तीनों का सम। ठीक है, तो वन बाई थ्री, वन बाई सेवन, वन बाई यहां पर वन बाई फाइव, वन बाई सेवन। ठीक है, इस तरीके से माइनस का साइन। ठीक है, और इन तीनों की मल्टीप्लाई इस तरीके से। ठीक है, और डिवाइड में क्या होगा, वन माइनस दो दो की मल्टीप्लाई, मतलब वन बाई थ्री वन बाई फाइव की, फिर माइनस का साइन फाइव और सेवन की, फिर थ्री और सेवन की, इस तरीके से। और ये एज इट इज है। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ। ठीक है, सिंपली कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। ठीक है, थ्री बाई थ्री, फाइव और सेवन हमारे पास ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है, थ्री फाइव सेवन की मल्टीप्लाई को एलसीएम ले लेते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, और वो उससे कैंसिल, जैसे यहां पर डिवाइड में क्या होगा, जैसे डिवाइड में क्या होगा, ऊपर होगा थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन। ठीक है,
और यहां पर नीचे भी, नीचे भी जैसे यहां पर भी 3 5 7 इस तरीके से, ठीक है। इसका एलसीएम ले लिया, वो इससे कैंसिल, और क्या बचेगी यहां पर कैलकुलेशन में, 1/3 है, तो यहां पर इन दोनों ही मल्टीप्लाई 5 और 7 की इस तरीके से, ठीक है। फिर यहां पर 7 है तो 5 से 5 कैंसिल, 7 × 3, ठीक है, और × 1, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहां पर क्या होगा, सिंपली कैलकुलेशन और कुछ नहीं, 15 माइनस यहां पर ये तीनों कैंसिल, यहां पर 1 इस तरीके से, ठीक है। नीचे भी 3 5 7 की यहां पर 1 के साथ तीनों ही मल्टीप्लाई होगी, तो इस तरीके से, ठीक है। फिर माइनस का साइन, 3 × 5, तो यहां पर 7, यहां पर 3 होगा एक बार, यहां पर 5 होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये एज इट इज है इस तरीके से, ठीक है। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ किसके बराबर होगा ये, 35 15, ठीक है, 50 और 20, 70/, यहां पर 7 5 12 -3 -15, और 105 -15 90, मतलब 7/9, ठीक है। और इस पर अप्लाई करेंगे फिर से फॉर्मूला, तो इसके इक्वल हम रिजल्ट शो कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से। तो क्या होगा यहां पर, सिंपली टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन दोनों के ऊपर एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगेगा, तो ऊपर दोनों आसम आएगा और नीचे 1 माइनस दोनों की मल्टीप्लाई, 7/9 × 1/8 इस तरीके से, ठीक है। आगे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, वो किसके बराबर आ जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 1 बचेगा। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 किस एंगल पर होती है, टेंजेंट की वैल्यू 1 π/4 पर, वही राइट हैंड साइड है, इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं इजिली, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास न्यूमेरिकल है कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2/9, लेफ्ट हैंड साइड ये है, और राइट हैंड साइड में 1/2 कोस इनवर्स ऑफ 3/5 इस तरीके से, ठीक है। अब सबसे पहले इसको प्रूव करना है, तो प्रूव के लिए क्या कहा था कि लेफ्ट एक साइड को लेके चलेंगे, दूसरे के इक्वल, ठीक है। अब समझने की चीज क्या है यहां पर, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, एक्स प्लस वाई का अगर फॉर्मूला लगाया हमने, तो क्या बचेगा यहां पर, टेंजेंट इनवर्स ऑफ समथिंग, जैसे टेंजेंट इनवर्स ऑफ ऐसी चीज आएगी कुछ, ठीक है, अंदर कुछ रियल वैल्यू, ठीक है। तो बाहर क्या आया, टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है, कोस इनवर्स, क्या है, कोस इनवर्स, वो तो इसके इक्वल नहीं है, तो फिर कोस इनवर्स को चेंज करेंगे, ठीक है, कोस इनवर्स को चेंज करेंगे, या फिर इसी को, कोस इनवर्स को टेंजेंट में कैसे चेंज करोगे, सबसे पहले क्या थी ट्रिक हमारे पास, इस चीज को जैसे कोस इनवर्स 3/5 है, इसको थीटा मान लो सिंपल, ठीक है, फिर कोस थीटा वैल्यू फाइंड आउट कर लो 3/5, फिर ट्रिक यूज कर लो, कन्वर्जन में ट्रिक क्या थी हमारे पास, पी बी पी, ठीक है, पंडित पद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, जो भी ट्रिक यूज कर सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या होता है यहां पर, साइन साइन थीटा कोस टेंजेंट, और नीचे इनके रेसिप्रोकल, तो कोस थीटा किसके बराबर होता है, बी बाई एच के, किसके बराबर होता है, बी बाई एच के, मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस, जैसे ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस कितनी है, 5 है, इससे कंपेयर करेंगे, बेस कितना है, 3 है। अब पी जी ये परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहती है, s² = b² + p², ठीक है। तो यहां पर वैल्यू पुट अप करेंगे, पी फाइंड आउट कर लेंगे यहां से, ठीक है, पी वैल्यू, अब पी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, कोस को किस में कन्वर्ट करना था हमने, टेंजेंट में, किस में कन्वर्ट करना था, टेंजेंट में, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा p/b के, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई बेस की, यहां पर वैल्यू पुट अप करेंगे, और थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस, इसके बराबर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ डी सी, या फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि कोस इनवर्स को, जैसे कोस इनवर्स एक्स है, टेंजेंट इनवर्स में किस तरीके से कन्वर्ट होगा, सिंपली यहां पर 1 − x² का √ और √ ठीक है, यहां से भी यही रिजल्ट आएगा, या तो इससे सोल्व कर ले हम इस तरीके से कि एक बार लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें फिर राइट हैंड साइड को, ठीक है। अब जैसे यहां पर टेंजेंट इनवर्स था, उसको भी कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपल इसको कैसे इजी बना सकते हैं हम, जैसे ये 2 है,
राइट हैंड साइड में जो टू है इसको यहां से डिवाइड कर दो या फिर मल्टीप्लाई, इससे को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। सबसे पहले यहां पर टू इस तरीके से, ठीक है। अब इस चीज को इसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं हम, किस तरीके से करेंगे? क्या होगा हमारे पास? टू तो एज इट इज, जैसे सॉल्यूशन है लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड है टू इंटू दिस, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया, क्या होगा? 1/4 + 2/9 ऊपर तो डिवाइड में 1 माइनस, दोनों ही मल्टीप्लाई, ठीक है। कंसेप्ट सेम रहेगा, टू टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। सिंपली कैलकुलेशन है, 4 और 9 दोनों के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां पर एलसीएम लेंगे 4 और 9 की मल्टीप्लाई को और ऊपर नीचे डिवाइड, तो यहां पर ऊपर कितना बचेगा? जैसे यहां पर 4 और 9, यहां पर 4 से 4 कैंसिल होगा, तो 9 + 4 × 2 = 8 ऊपर, ठीक है। और डिवाइड में क्या बचेगा? यहां पर मल्टीप्लाई दोनों की 36 - यहां पर 2 इस तरीके से, तो वो किसके बराबर है? 2 tan inverse 9 + 8 = 17 बाई नीचे है 34, 17/34 1/2 इस तरीके से। अब क्या हमारे पास? 2 tan inverse 1/2। अब टेंजेंट इनवर्स के सबसे पहले तीन फॉर्मूले पढ़े थे, क्या थे? अब टेंजेंट इनवर्स को हमें कोस इनवर्स की टर्म में चाहिए, जैसे टेंजेंट इनवर्स एक्स है, 2 tan inverse x के तीन फॉर्मूले पढ़ चुके हैं हम अभी, ठीक है। किसके बराबर था? कोस की टर्म में कोस इनवर्स 1 - x² 1 + x² इसको अप्लाई कर लो, किस तरीके से? 2 tan inverse 1/2, एक्स कितना यहां पर? 1/2, तो यहां पर एक्स की वैल्यू पुट अप कर दो इस फॉर्मूले में, कोस इनवर्स 1 - x² इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, और डिवाइड में क्या होगा? 1 + इसका स्क्वायर 1/4, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, कोस इनवर्स 3/5, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।